ओ हाय, फ्लाइट टिकट बुकिंग कर रहा था। कहाँ से? skyscanner.com से। चलिए बात करते हैं skyscanner.com की। तो आप देख रहे हैं टेक्निकली, और स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो skyscanner.com एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मन में सवाल रहता है कि क्या ये वेबसाइट सही है, क्या इस वेबसाइट से जो टिकट्स मिल रही हैं वो एक्चुअली में असल में टिकट्स मिल रही हैं हमें, या फिर हमें उल्लू बनाया जा रहा है, फेक टिकट्स हैं। तो मैं सिर्फ पहले बताऊं स्काई स्कैनर के बारे में। तो स्काई स्कैनर जो है, ये एक प्रकार से आप समझिए कि वेबसाइट है जो कंपैरिजन करता है अलग अलग वेबसाइट्स का। इस एक्चुअली में स्काई स्कैनर खुद कोई टिकट नहीं कट करता है, ये समझिए एक प्रकार से आपको मदद करता है पूरे वेबसाइट्स पे अलग अलग प्राइसेस को सर्च करने में। आप जैसे आपने कभी अगोडा डॉट कॉम का नाम सुना होगा। ये वेबसाइट्स क्या करती हैं कि ये होटल्स को सर्च करती हैं पूरे में, और जो चीपेस्ट होटल होता है वो आपको दिखाती हैं। तो सेम काम स्काई स्कैनर का है कि स्काई स्कैनर आपको पूरे इंटरनेट पर सर्च करता है कि आपने जहाँ के लिए भी टिकट्स बुक किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पटना टू दिल्ली के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये सर्च करेगा और अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में बताएगा, अलग अलग एयरलाइंस के बारे में बताएगा इसमें कि कौन जो एयरलाइन है वो आपको किस प्रकार से प्राइस टैग रखी हुई है अपने टिकट्स का। तो आप एक प्रकार से यहाँ पे समझिए तो कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में बात करूँ मैं अगर, तो वेबसाइट पर टिकट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पर्सनली मैं बताऊँ तो वेबसाइट पर आप टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीप फ्लाइट टिकट्स के लिए जाएंगे तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको फ़्लाइट सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। वो फ़्लाइट सर्विसेज हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के जैसी ना हो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप चीप फ्लाइट टिकट्स लेंगे तो फ्लाइट्स भी चीप होंगी। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप कंपैरिजन के लिए इस वेबसाइट को यूज़ कीजिए। मैं बताऊं आपको, आप पेटीएम पे जाइए या फिर किसी और फ्लाइट टिकट एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ फ्लाइट टिकट सर्च कीजिए और फिर यहाँ आके सर्च कीजिए। फिर आपको अगर डिफरेंस लगता है, आपको असल में पता लगता है कि ये जो फ्लाइट टिकट्स हैं ये आपको ऑथेंटिक लग रही है, ये जिस वेबसाइट के थ्रू आपको बुक करके दे रहा है वो वेबसाइट सही है या नहीं है, तभी आप इस पे फ्लाइट टिकट्स बुक कीजिए। और एक प्रकार से मानूँ बताऊँ मैं तो ये ऑथेंटिक है और ये बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट है, इसलिए डरने की बात तो नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ इशू क्रिएट हुआ या फिर कुछ गड़बड़ होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं भी इसके ऊपर मैं वीडियो बताऊंगा और लोगों को अवेयर करूंगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ इशू जो है मुझे सामने में दिखा नहीं है। तो अभी तक तो ये वेबसाइट जो है बिल्कुल प्रोफेशनल और ऑथेंटिक ही है। तो आप अभी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस भरे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बाय बाय गाइस।